और बात बिहार चुनाव की ही, एक समय सुशील मोदी के खास रहे दरभंगा से दो बार के विधायक अमरनाथ गामी आरजेडी के टिकट पर इस बार चुनावी मैदान में हैं। गामी ने इसके लिए सुशील मोदी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि वो बिना जनाधार के राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। एक बार बीजेपी से और एक बार जेडीयू से विधायक रहे अमरनाथ गामी जी हमारे साथ में हैं। अमरनाथ जी, ये बताइए आखिर जेडीयू से क्या नाराजगी हुई जो आप जो है वो बागी हो गए जेडीयू से? बागी का महागठबंधन से हम विधायक थे, नीतीश बाबू पलट के एनडीए में चले गए, हम आज महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। अच्छा, बागी होने का कहाँ बात है? नहीं तो बीजेपी में भी आप रहे हैं? देखिए, बीजेपी में तो मेरा राजनीतिक शुरुआत था। अच्छा। और मजबूत वैश्य नेता सुशील मोदी को पछता नहीं है। क्यों? कारण वो कमजोर है, मजबूत वैश्य नेता को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं। अच्छा, तो डिप्टी सीएम वो हैं बिहार के बाद कमजोर आपको? बिना जनाधार वाले डिप्टी सीएम हैं, जोगाड़ वाले डिप्टी सीएम हैं। ये कैसे? ये अभी चुनाव कभी देखे हैं लड़ते हुए? अच्छा। एमएलसी बन के जाते हैं। हाँ। और वही भाजपा का परंपरागत सीट पर कहे थे हम दरभंगा में, कहीं कोनो सीट पर चुनाव लड़िए मेरे से। आपसे सुशील मोदी को आपने चैलेंज किया? निश्चित निश्चित। दरभंगा अभी भी कौन है कोई सीट पर चुनाव लड़ ले, उनसे कम वोट आएगा हमारा नहीं छोड़ देंगे, उन हिम्मत नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो सुशील मोदी की वजह से आपने बीजेपी छोड़ी? निश्चित, उन्हीं के वजह से छोड़ना पड़ा। कारण वो मेरा कद कम करना चाहते हैं हमेशा। आज नीतीश जी भी उनके साथ गए, इसी कारण से हम महागठबंधन में थे आज। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और बताइए अमरनाथ गामी जी, कि आप बीजेपी में रहे हुए हैं, आखिर इस बार हिंदू और फिर मुसलमान का कार्ड क्यों नहीं चल पा रहा है? कि रोजगार क्यों मुद्दा बन गया? देखिए, रोजगार मुद्दा, पेट का भूख जो है ना, लोग को सब कुछ भुला देता है। पेट का भूख बहुआ रहा है, लोग बेरोजगार जो है परेशान है। अच्छा। उसका परेशानी में युवा आज तेजस्वी जी के साथ चल दिया है, वो चाहता है कि आज मुख्यमंत्री बना दे, बदलाव का बिहार बह रहा है। तो हमेशा धर्म और जाति के नाम पर यहाँ पर चुनाव होता था, इस बार आखिर क्या सर ऐसा खास हो गया? ऐसा कुछ नहीं होता है, मुद्दा चीना पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला विषय नहीं है। हाँ। अब आवाम का विषय है। अच्छा। अब आवाम बदलाव चाहता है, इस बार का चुनाव जनता लड़ रहा है। जनता जब बदलाव चाहता है, जनता जब चुनाव लड़ता है, तो बड़ा क्रांति होती है। दरभंगा की ही धरती पर नहीं, पूरे बिहार की धरती पर क्रांति चल रहा है। अच्छा, तो धर्म का कार्ड नहीं चल रहा है? कोई जब जनता चुनाव लड़ता है और चुनाव को अपने हाथ में लेता है तो बड़ा विषय हो जाता है ना। अब कोई धर्म का कार्ड का जरूरत ही नहीं है। मेरा टिकट तिलक देख रहा है ना। धर्म का कार्ड क्या खेलेगा कोई? गामी जी हैं, सब समाज को ले के चलते हैं, भाईचारा का पैगाम देते हैं। मतलब हम धार्मिक नहीं है? मेरे सामने मंदिर का, भगवान का मंदिर है, पूजा करके निकलते हैं, पीर पैगंबर को भी पूज देते हैं। केवल वोट के लिए हिंदू बनना, धर्म का नाम बोलना उचित नहीं है। इसलिए धार्मिक मुद्दा कोई पकड़ नहीं रहा है, पकड़ नहीं रहा है। अब देखिए, दरभंगा में माननीय प्रधानमंत्री जी का सभा हुआ, पूरा जिला का सभा था, और तेजस्वी जी का सभा हुआ, केवल दरभंगा शहरी विधानसभा का सभा था। मोदी जी का रैली से डबल भीड़ तेजस्वी जी के सभा में जुटाई, संकेत है कि बड़ा बदलाव होने वाला है।